हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले ही एक आइडेंटिटी प्रूफ कर चुके हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसी फार्मूले के ज़रिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा, यानी कि जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ पे हम माइनस बीटा पुट कर देंगे। तो अल्फा माइनस और इस बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस बीटा। इसके बाद कॉस अल्फा कॉस माइनस बीटा और प्लस साइन अल्फा और साइन माइनस बीटा। यहाँ पे इस बीटा की जगह पे भी माइनस बीटा आ गया और इस बीटा की जगह पे भी माइनस बीटा आ गया। अब इसके बाद हमें एक फार्मूला पता है कि सिंस कॉस माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा, और इसके अलावा एक और फार्मूला है कि साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। तो हम कॉस माइनस बीटा की जगह पे कॉस बीटा पुट कर देंगे और साइन माइनस बीटा की जगह पे हम माइनस साइन बीटा पुट कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूले को हम दोबारा से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, और इसके बाद हो जाएगा ये कॉस अल्फा और कॉस बीटा। कॉस माइनस बीटा असल में कॉस बीटा के बराबर है, तो इस कॉस माइनस बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा, और फिर प्लस साइन अल्फा और साइन माइनस बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि कॉस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।